आज का प्रातः क्लास है 12 जून 1960। रूहानी बाप कह रहे हैं कि आत्मा अभिमानी होकर बैठना है। ये बात अगर जिस्मानी बाप कहे कि आत्मा अभिमानी होकर बैठना है तो क्या अंतर पड़ेगा? कहने वाला जिस स्थिति वाला होगा वैसा ही दूसरों को बनावेगा। इसलिए याद दिलाया कि रूहानी बाप बच्चों से कह रहे हैं कि आत्माभिमानी होकर बैठना है अथवा देही अभिमानी होकर बैठना है। और याद किसको करना है? आत्माभिमानी होकर बैठना है तो आत्मा के बाप को ही याद करना है। परंतु वो आत्माओं का बाप कह रहे हैं, माना कोई साकार मुख से कहना होता है, तो उस निराकार आत्माओं के बाप को साकार में याद करना है, सिवाय उस बाप के और कोई को भी याद नहीं करना है। इस बाप के सिवाय जो निराकार साकार में आकर कह रहे हैं, अर्थात न निराकार को सिर्फ याद करना है न साकार को याद करना है, निराकार को साकार में याद करना है। जबकि बच्चे जानते हैं बाप से बेहद का भरोसा मिलता है, तो जिनसे बेहद का भरोसा मिलता है मुक्ति और जीवन मुक्ति का, उनको ही याद करना है। और तो कोई आत्मा से मिलता नहीं, बेहद का बाप आकर के समझाते हैं। ऐसे नहीं ब्रह्मा के तन में आकर सुनाते हैं और चले जाते हैं और बच्चे अपने आप समझते रहते हैं। नहीं, सुनाई हुई बात को समझाने के लिए भी बाप को आना पड़ता है। समझाते हैं देही अभिमानी भव, ब्रह्मा के द्वारा तो ऐसे नहीं कहेंगे देही अभिमानी भव, क्योंकि ब्रह्मा का एक भी फोटो निराकारी स्टेज वाला नहीं है। बच्चों के लिए भी निराकारी स्टेज का उपदेश कैसे साबित होगा? बाप कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा तो माँ का बोलना था, सुनना सुनाना था, तो बाप कहते हैं आत्माभिमानी भव। अभी देह अभिमानों को छोड़ते जाओ, आधा कल्प तुम देह अभिमानी होकर रहे हो, फिर आधा कल्प देही अभिमानी होकर रहना है। सतयुग और त्रेता में तुम देही अभिमानी होकर रहते हो ना,
वहां ये मालूम रहता है कि हम आत्माएं हैं। द्वापर कलयुग में तो नहीं मालूम रहता क्या मैं ज्योति बिंदु आत्मा है, ना उस स्थिति में टिकते हैं। अभी तुम्हारा ये शरीर बड़ा हुआ है, इनको अभी छोड़ते हैं, ये शरीर बदली करना है, ये सर्प का मिसाल तुम्हारे लिए है। एक कैंचुल छोड़कर दूसरी कैंचुल धारण करता है, तो तुम आत्मा भी इस पुराने शरीर को छोड़ करके जा करके दूसरा शरीर में प्रवेश करते हो। इस पुराने शरीर को छोड़कर फिर क्या करते हो, छोड़कर जाकर कहां जाकर, इस पुराने शरीर को छोड़कर परमधाम में जाकर जाते हो कि नहीं, इस पुराने शरीर को छोड़कर जाकर अर्थात परमधाम में जाकर फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हो। कौन से दूसरे शरीर में प्रवेश करते हो, जो शरीर फ्रीज होने के बाद तुमको कंचन काया के रूप में मिलता है, परंतु इसके लिए तुमको अभी आत्माभिमानी बनना है। आत्माभिमानी बनेंगे तो दूसरा सतो प्रधान शरीर मिलेगा, वो परमपिता परमात्मा तो कब देह अभिमानी नहीं बनते, वो भले एक बार आते हैं फिर भी देह अभिमानी नहीं बनते हैं, क्योंकि ये शरीर तो पराया लोन लिया हुआ है। इस शरीर से उनकी लागत नहीं है, लोन लेने वाले की लागत नहीं रहती है। जानते हैं ये तो शरीर छोड़ना है, बाप समझाते हैं, मैं ही आकर के तुम बच्चों को पावन बनाता हूं, दुनिया में और कोई आत्मा ऐसी नहीं है जो तुमको पावन बनावे, और ऐसे भी नहीं कि ब्रह्मा के तन में आकर ज्ञान सुनाकर चला जाऊं फिर तुम पावन बनते रहते हो, नहीं, मैं आता हूं शरीर में, मुझे पावन बनाने के लिए आना पड़े, जैसे ज्ञान सुनाने के लिए आते हैं वैसे ज्ञान समझाने और प्रैक्टिकल में परिवर्तन करने के लिए भी मुझे आना पड़ता है। पहले तुम सत्व प्रधान थे सो फिर तमो प्रधान बने, अभी फिर पावन बनने के लिए तुमको अपन के साथ योग लगाना सिखाता हूं। योग अक्षर न कह करके याद अक्षर कहना ज्यादा ठीक है, तुम्हें याद सिखाता हूं,
बच्चे बाप को याद करते हैं ना। अभी तुमको भी बाप को याद करना है, आत्मा ही याद करती है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो तुम बच्चे देह अभिमानी बन जाते हो, फिर बाप आकर तुमको देही अर्थात आत्मा अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमानी बनने से नाम रूप में फंस जाते हैं, विकारी बन जाते हैं। नहीं तो तुम सभी निर्विकारी थे, वहां तुम्हारी देह में लागत नहीं थी, सदैव आत्मा याद रहती थी। फिर पुनर्जन्म लेते लेते विकारी बन जाते हो। विकारी अथरा अर्थात विपरीत कार्य करने वाले, जो कार्य नहीं करना चाहिए, हिंसा का, वो कार्य करने लग पड़ते हो। अभी तुम जानते हो ज्ञान किसको और भक्ति को कहा, क्या किसको कहा जाता है? ये बात तो तुम्हें बाप ने समझाई है। भक्ति शुरू होती है द्वापर से, जब द्वैतवादी युग शुरू होता है। अद्वैत होते हैं देवताएं, जिनका जीवन ज्ञान से बनता है। ज्ञान है एक प्रकार का और भक्ति तो है ही द्वैतवादी। एक से दो बातें, दो से चार बातें, चार से आठ, दस, जितने रावण के सर है उतनी बातें। तो द्वापर से भक्ति शुरू होती है, जबकि पांच विकारों रूपी रावण की स्थापना होती है। इससे पहले काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी पांच विकारी रावणों की स्थापना नहीं हुई थी। भारत में ही राम राज्य और रावण राज्य कहा जाता है, परंतु ये जानते नहीं है कि रावण किसको और राम राज्य किसको कहा जाता है। राम है एक और रावण है अनेक, रावण के रूप है अनेक। एक के राज्य को राम राज्य और अनेकों के राज्य को रावण राज्य कहा जाता है। राम राज्य कितना समय चलता है और रावण राज्य कितना समय चलता है ये भी कोई नहीं जानते। आधा समय राम राज्य, आधा समय रावण राज्य, परंतु इस समय भारतवासी है तमोप्रधान पत्थर बुद्धि। पैदाइश भी सब की भ्रष्टाचार अर्थात बिख से होती है।
श्रेष्ठ आचरण से पैदाइश नहीं होती है, इसलिए इस दुनिया को विशेष वर्ल्ड कहा जाता है और नई दुनिया को वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। वहां विषय विकार होता ही नहीं। तो देखो नई दुनिया में और पुरानी दुनिया में रात दिन का फर्क है। नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, पुरानी दुनिया में भारत भी होता है तो और देश भी होते हैं। परंतु भारत जैसा पवित्र खंड कोई भी नहीं बन सकता। जो पवित्र था वो ही फिर अनेकों के संग के रंग में आकर करके बिल्कुल अपवित्र बन जाता है। कौन सा देश? भारत देश। भारत देशवासियों को ही संग का रंग सबसे जास्ती क्यों लगता है? और देश वालों को संग का रंग इतना क्यों नहीं लगता? इसका कारण क्या है? हैं? भारत है ही मातृ देश, माताओं कन्याओं को ज्यादा संग का रंग लगता है या पुरुषों को जास्ती संग का रंग लगता है? माताओं को लगता है। और जो भी धर्म पिताएं हैं वो सब पुरुष प्रधान हैं। और देवी देवता सनातन धर्म का बाप भी पुरुष प्रधान है। पुरुष माने ही आत्मा, परंतु किस में प्रवेश करता है पहले पहले? माता है, माता ने। एक में प्रवेश करता है या युगल में प्रवेश करता है? है? युगल में। एक में प्रवेश नहीं करता है, दो में प्रवेश करता है, परंतु दोनों ही पांच तत्वों के पुतले हैं। पांच तत्व अर्थात प्रकृति के पुतले। प्रकृति स्त्री है या पुरुष रूप है? स्त्री रूप है। और भारत में ही भगवान आते हैं। जो बहुत पतित बनते हैं उन्हीं को आकर के बहुत पावन बनाते हैं। भारत की माताएं पतित बनती हैं या विदेश की माताएं सबसे जास्ती पतित बनती हैं? विदेशी। भारत की माताओं को ज्यादा बंधन लगता है या विदेश की माताओं को बंधन लगता है? भारत की माताएं सबसे जास्ती दुखी होती है। तो भारत में भगवान आते हैं, अर्थात मातृ प्रधान देश में भगवान आते हैं, विदेशों में भगवान नहीं आते हैं। तुम जानते हो बरोबर देवी देवताएं पवित्र थे,
फिर पुनर्जन्म लेते लेते आप पवित्र बन गए। क्या पुनर्जन्म विदेशियों ने नहीं लिए हैं? लिए? फिर देवताओं के लिए ही खास बात क्या हुई? जो अपवित्र बनते जाते हैं, विदेशी भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु सबसे जास्ती पुनर्जन्म भारतवासी लेते हैं। दूसरे देश के, दूसरे धर्म के लोग इतने जास्ती पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, तो संघ का रंग भी उनको कम लगता है और भारतवासियों को संघ का रंग जास्ती लगता है। सबसे जास्ती जन्म यहाँ भारत में ही लेते हैं। बाप समझाते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत के जन्म में आता हूँ। क्या बहुत जन्म? कितने? 84 जन्म। 84 जन्म का अंत क्या हुआ? 60 साल की वानप्रस्थी अवस्था, वो 84 जन्म का अंत हुआ। और वो वानप्रस्थ अवस्था में भी पूर्ति नहीं हो पाती है। जिस आदि तन में प्रवेश करते हैं वो पहले ही छूट जाता है, तो आयु पूरी नहीं होती ब्रह्मा की, जो शास्त्रों में भी गाई हुई है। कितनी है ब्रह्मा की आयु? कितनी गाई हुई है? 100 साल। वो आयु पूरी नहीं होती है, तो पूरा करने के लिए बहुत जन्मों के, 84 जन्म के अंत के भी अंत में, जिसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म कहें, उसमें प्रवेश करता हूँ, आता हूँ। ये पहला नंबर ही 84 जन्म पूरा करके वानप्रस्थ अवस्था में आता है। तब मैं प्रवेश करता हूं। कौन है पहला नंबर? है प्रजापिता। पहला नंबर पूरा करके 84 जन्म कब पूरा होता है उसका? है 76 में 84 जन्म, 84वां जन्म, 100 साल पूरा होता है। तब मैं आता हूँ बेहद की वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ, प्रवेश करता हूँ। कहा भी जाता है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु किसी को भी मालूम नहीं है ये त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है। किसी की भी बायोग्राफी का किसी मनुष्य मात्र को पता नहीं है। पूजा करते रहते हैं परंतु अंधश्रद्धा से,
किसकी पूजा करते रहते हैं? ब्रह्मा की, विष्णु की, शंकर की। परंतु उनकी बायोग्राफी को जाने बगैर अंधश्रद्धा है ना, इसलिए बाप ने कहा है अंधे की औलाद अंधे। अभी तुम सोजरे बन रहे हो, भक्ति को कहा जाता है ब्राह्मणों की रात। और सतयुग रहता है ब्राह्मणों का दिन। अभी तो प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर बच्चे भी होंगे। सिर्फ ब्रह्मा है तो ब्रह्मा अगर रात में है तो बच्चे भी रात में होंगे। ब्रह्मा अगर दिन में है तो बच्चे भी दिन में होंगे। परंतु प्रजापिता ब्रह्मा की दिन और रात नहीं गाई जाती है। तो निश्चय बुद्धि होना चाहिए ना, किसके ऊपर? प्रजापिता के ऊपर। परंतु आज निश्चय करते हैं और कल माया हिलाए देती है। आज ज्ञान दिन में आते हैं और माया रात में उठा के फेंक देती है। ये भी समझाया है, ब्राह्मणों का कुल होता है क्या? कुल तो होता है लेकिन राजाए की डायनेस्टी नहीं होती है। ब्राह्मण सेवादारी है या कोई के ऊपर शासन चलाने वाले राजा हैं? सेवाधारी है। तो ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं होती है क्योंकि बाप ही बच्चों का ओबीडेंट सर्वेंट बन करके आया हुआ है। तो बच्चे भी कैसे होने चाहिए? विश्व के सेवाधारी होने चाहिए। ब्राह्मण है चोटी, चोटी भी देखने में तो आती है ना। फिर ब्राह्मणों को पढ़ाने वाला है ऊंचे ते ऊंच बाप, परम पिता परमात्मा शिव। क्या कहा? पढ़ने वाले भी ऊंच और पढ़ाने वाला भी ऊंच। क्यों? पढ़ने वाले शूद्र नहीं होते हैं? शूद्र किससे पढ़ाई पढ़ते हैं? जो शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई पढ़ के शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। फिर जो ऊंचते ऊंच ब्राह्मण चोटी के बनते हैं, सब एक जैसे ब्राह्मण बनते हैं क्या? कि ब्राह्मणों की नौकरियां हैं एक से एक ऊंची। तो जो ऊंचे ते ऊंची कुरी के ब्राह्मण हैं, चोटी के ब्राह्मण, उनको पढ़ाने वाला कौन है? ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा शिव। और जो नंबरवार नीचे ब्राह्मण है नौकरियों के,
उनको पढ़ाने वाले हैं दूसरे दूसरे धर्म पिताएं। क्या वो पढ़ते हुए भी बाप से पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते, अनिश्चय बुद्धि में आ जाते हैं और दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिजल्ट ये होता है कि पुरुषार्थ करते करते आखिरी जन्म में जो ऊंची चाढ़ी चढ़नी चाहिए अंतमते सोगते वाली, वो ऊंची चाढ़ी नहीं चढ़ पाते। ऊंचते ऊंच पढ़ाने वाले परमपिता परमात्मा का नाम तो एक ही है। क्या है उनका नाम? वो सदैव शिव है, सदैव कल्याणकारी है। भले पतित तन में आता है, साधारण कर्म करने वाले साधारण तन में आता है, परंतु जो भी बोलता है, जो भी कर्म करता है, वो कैसा काम होता है? कल्याणकारी काम होता है, कल्याणकारी वाइब्रेशन फैलाने वाला संकल्प होता है। भक्ति मार्ग में तो उनके अथाह नाम लगाए दिए हैं। नाम उनका सिर्फ क्या है? नाम तो एक ही है। इस आधार पर क्या काम किया? कर्म इंद्रियों से भी जो काम किया वो कल्याणकारी काम किया, वाचा से भी जो बोला वो अकल्याणकारी नहीं हो सकता, कल्याणकारी होता है। और मन के वाइब्रेशन से भी जो वाइब्रेशन फैलाए वो भी अकल्याणकारी नहीं हो सकते, कल्याणकारी ही होते हैं। इसलिए उनका नाम एक ही है। क्या? सदाशिव। और नाम उनकी आत्मा का ही है, नहीं तो नाम शरीर पर पड़ते हैं, ये आत्मा पर पड़ते हैं, है? नाम आत्मा पर पड़ते हैं, सब के नाम शरीर के ऊपर पड़ते हैं, क्योंकि सब कुछ न कुछ देहभान में आकर के अकल्याणकारी कार्य कर बैठते हैं। इसलिए सब के नाम शरीर पर पड़ते हैं, देह के ऊपर नाम पड़ते हैं। और परमपिता परमात्मा शिव का नाम है सिर्फ आत्मा के ऊपर नाम पड़ता है। माने वो जो कोई भी काम करता है कर्म इंद्रियों से, वाचा बोलता है वाणी से, दृष्टि से देखता है आंखों से, वो सब कल्याणकारी होता है, अकल्याणकारी होता ही नहीं, क्योंकि आत्मा अभिमानी होकर के करता है। करण करावनहार है ना, तो करता भी है। उसका नाम है शिव, क्योंकि आत्मिक स्थिति में होकर करता है, बोलता है। और जो मनुष्य आत्माएं हैं वो सदैव आत्मिक स्थिति में होकर के न देखती है, न कर्म इंद्रियों से सदैव कर्म करती है, और न मनसा से वाइब्रेशन फैलाए पाती है। इसलिए उनके शरीर पर नाम पड़ते हैं। फिर भगवान के अनेकों नाम क्यों डाल दिए हैं? है? अनेक कर्तव्य किया एक आत्मा ने अनेकों में प्रवेश होके, नहीं अभी तो बोला। अरे परमात्मा बाप एक व्यापी होकर आता है या अनेक व्यापी होकर के कर्म करता है?
एक व्यापी होकर के कर्म करता है और सत संकल्प करता है, सत कर्म करता है, सत्य वाचा बोलता है, कल्याणकारी बोलता है, इसलिए उसका एक ही नाम है शिव। क्या? एक ही नाम है शिव। और बच्चों में प्रवेश करके सेवा तो करते हैं या नहीं करते हैं? सेवा तो करते हैं। तो बच्चों ने अपन को भगवान समझ लिया, ये गलती हो गई। तो अनेकों भगवान हो गए, अनेकों भगवान के नाम हो गए। नहीं तो एक ही महामंत्र है। भक्ति मार्ग में तो अनेक नाम लगाए दिए, अथाह नाम। भक्ति मार्ग में नामों का चहचहा बहुत हो जाता है, कितने चित्र बनाते हैं है? भगवान के कितने चित्र बनाते हैं? एक ही बनाते हैं या अनेक चित्र बनाए हैं है? अनेक चित्र बनाए हैं, और वो अनेक चित्र सतो प्रधान स्टेज में बनाए हैं या जब अवस्था भक्तों की गिरती गई, तमो प्रधान हो गए, तब अनेक चित्र बनाए हैं भगवान के? जब सतो प्रधान थे तो कौन सा चित्र बनाया था है? लिंग कोई चित्र नहीं होता है। चित्र उसे कहा जाता है जिससे चरित्र साबित होते हो। तो सोमनाथ मंदिर बनाया था तो चित्र भी साथ साथ में बनाया था। कौन सा चित्र बनाया था है? जो मोहम्मद गजनबी ने ले जा करके तोड़ दिया और अपनी सीढ़ियों पर उल्टा डाल दिया, कौन सा चित्र था है? राम का चित्र था। अरे शिव किस में आता है? राम में आता है, शंकर में आता है। एक ही नाम है, एक ही रूप है, जिसमें वो सदा शिव मुकरर रूप से प्रवेश करता है। तो भक्ति मार्ग के आदि में भी एक ही चित्र था, सोमनाथ के मंदिर में शिवलिंग भी था निराकार की यादगार, और शंकर का एक ही चित्र था। तो जैसे वैसे भक्ति तमो प्रधान होती गई, वैसे वैसे भगवान के अनेक रूप बनाते गए। कितना भक्ति में चित्रों का चहचहा हो जाता है, कितने मंदिर बनाते हैं यादगार, कितने यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान पुण्य आदि करते हैं। कहते हैं ऐसी वैरायटी भक्ति करने से भगवान मिलता है। और किसको मिलता है? है जो पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं, आप विचारी एक की भक्ति करते हैं उनको मिलता है, या जो बाद में भक्ति पूरी करते हैं उनको मिलता है? अरे भक्ति भी पहले किसी ने की होगी कि सबने एक साथ भक्ति शुरू कर दी? कोई एक ने भक्ति शुरू की तो बोला किसको मिलता है? जिसने पहले पहले अभिविचारी भक्ति शुरू की, किसने की होगी है?
राजा विक्रमादित्य पतित दुनिया का राजा था या पावन दुनिया का राजा था? पतित दुनिया के राजाएं अपनी अकल से काम करते हैं या मत लेने के लिए ब्राह्मणों को तैनात करते हैं मंत्रियों के रूप में या गुरु के रूप में? मंत्री या गुरु बनाते हैं। तो जो शिवलिंग की पूजा राजा विक्रमादित्य ने शुरू की वो अपनी अकल से की या कोई ने बताया? जरूर कोई बताने वाला था। तो पहला भक्त कौन हुआ? जो पहले आते हैं वो ही पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं। जो ब्राह्मण बनते हैं सो देवता बनते हैं। तो पहला पहला ब्राह्मण कौन हुआ है? पहला पहला ब्राह्मण हुआ प्रजापिता। और क्या बनता है? पहला पहला ब्राह्मण सो पहला पहला देवता। क्या नाम है पहले पहले देवता का? लक्ष्मी नहीं, वो देवता नहीं है, नारायण। जो पहला पहला देवता पहला पहला ब्राह्मण वही फिर पहले पहले भक्ति में आते हैं। ये हिसाब भी बाप ही बैठ समझाते हैं। इस हिसाब को बाप के सिवाय और कोई समझाए भी नहीं सकता। भारत बहुत पवित्र था। एक धर्म था, एक राज्य था, यथा राजा तथा प्रजा थी। सर्वगुण संपन्न थे, देवी देवता धर्म था। भारत में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। उस समय भारत में अथाह धन था। तो बाप याद दिलाते हैं क्या? याद आ जाना चाहिए। क्या बात याद आ जानी चाहिए? कि पहले पहले तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हो, और धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते हैं। 84 जन्म लेने का पक्का पुरुषार्थ भी नहीं करते। ना ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं और ना सुदर्शन चक्र पूरा घुमा पाते हैं। जैसे कि उनकी बुद्धि चलती ही नहीं। जो 84 जन्म लेने वाले होंगे उन्हें की तो पूरी चक्र में बुद्धि घूमेगी। 84 जन्म लेने वाले नहीं होंगे तो पूरे चक्र में उनकी बुद्धि भी नहीं घूमेगी। जैसे तथाकथित ब्राह्मण हैं, उनसे पूछो कि सतयुग में राधा कृष्ण को जन्म देने वाली डायनेस्टी कौन, उनको जन्म देने वाले कौन थे, कैसे जन्म दिया, कब जन्म दिया, उसकी डिटेल बताओ। वो बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे?
क्योंकि उन्होंने पूरा 84 का चक्र लगाया ही नहीं, पहले ही शरीर छोड़ छोड़ करके चले गए। उनका जो गुरु हुआ वो भी पहले ही शरीर छोड़ के चला जाता है। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार आदि में शरीर छोड़ने वाले कहे जाते हैं, या अंत तक पूरा खेल देखने वाले प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कहे जावेंगे। जिन्होंने अंत किया उसने सब कुछ किया। और धर्म वाले पूरे 84 जन्म लेते ही नहीं, चाहे वो चंद्रवंश वाले हो, चंद्रवंश के पक्के हो, या इस्लाम धर्म बौद्ध वंश क्रिश्चियन धर्म के पक्के हो, वो पूरे 84 जन्म नहीं लेंगे। उनके जरूर कम वर्ष हो जावेंगे, कम से कम आधा जन्म ही कम हो जाएगा। तो सभी तो 84 जन्म नहीं लेते हैं, सिर्फ जास्ती से जास्ती 84 जन्म। 12 जून 1968 की वाणी का दूसरा के चौरासी जन्मों को उन भक्तों ने फिर 84 लाख जन्म कह दिए हैं। कितना बड़ा गपोड़ा मारते हैं कौन, 84 जन्म लेने वाले ये गपोड़ा मारते हैं, या जिन्होंने 84 जन्म लिए ही नहीं, पूरा चक्कर काटा ही नहीं, वो ये गपोड़ा मारते हैं है? अरे ये गपोड़ा किसने लगाया होगा कि 84 लाख जन्मों में आत्मा भ्रमण करती है। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कर दी है। बाप कहते हैं ये है ही 5000 वर्ष का ड्रामा, लाखों वर्ष का नहीं है। तो ये भी अज्ञान ठहरा क्या? क्या ज्ञान ठहरा कि 5000 वर्ष के ड्रामा को लाखों वर्ष लगाए दिए। भक्ति मार्ग है ही अज्ञान मार्ग, अंधा मार्ग है, हर बात में अंधश्रद्धा लगी पड़ी है। ज्ञान सागर तो एक ही शिव बाबा गाया जाता है, बाकी तो सब हैं अंध, अंध महासागर के पोत्रे पोत्रियां। क्या है अंध महासागर के आसपास कौन कौन से देश धर्म हैं? अरे अंध महासागर माने अटलांटिक महासागर है, अमेरिका, यूरोप, कौन से धर्म के लोग वहां रहते हैं? क्रिश्चियनिटी के लोग रहते हैं। और एक महाद्वीप रह गया है अफ्रीका, अफ्रीका में कौन से धर्म के लोग जास्ती रहते हैं? क्रिश्चियंस तो जास्ती बनाए हुए हैं या ओरिजिनल हैं? बनाए हुए ओरिजिनल क्या है, है? अफ्रीका में जो ओरिजिनल रहने वाले हैं वो किस धर्म के जास्ती हैं?
मिस्र वगैरह, हाँ इस्लाम मुस्लिम धर्म के लोग जास्ती हैं। तो इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म ये विदेशियों में मुख्य धर्म है, जिन्होंने आकर के ये अंधश्रद्धा अंधविश्वास फैलाया हुआ है, क्योंकि ये पूरे 84 जन्म लेते ही नहीं। ज्ञान सागर तो एक ही शिव बाबा है, वो तो हद के बाबाए हैं। कौन है हद के बाबाएं? कौन कौन है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये क्या है हद के बाबाएं? भले 100-200 करोड़ के बाबाएं हैं, 100-200 करोड़ उनको अपना धर्म पिता मानते हैं, परंतु वो भी हद के पिताएं हैं। बेहद के 500-700 करोड़ की सृष्टि के ग्रैंडफादर नहीं है। ये शिव बाबा तो है बेहद का बाबा। प्रैक्टिकल में कभी बनता है या सिर्फ कहने की बात है? प्रैक्टिकल में बन करके जाता है। सारी दुनिया उसको अपना एडम, आदम, आदिदेव या आदिनाथ के रूप में ग्रैंडफादर मानती है। दुनिया में तो हद के बाबा होते हुए भी बेहद के बाबा को सभी याद करते हैं, परंतु याद कब करते हैं? हद के बाबा को याद करते हैं कब? याद करते हैं जब दुखी होते हैं, तो हद का बाबा याद नहीं आता। कौन सा याद आता है? बेहद का बाबा याद आता है। पुनर्जन्म लेते लेते दुनिया पुरानी तमो प्रधान हो जाती है, तब फिर बाप आते हैं। जब बाप आते हैं तो रिजल्ट क्या होता है? है? अरे बाप कब आते हैं? असलियत में बाप कब आते हैं? है? 60? अरे कब आते हैं उसका जवाब? संगम युग में तो, संगम तो 100 साल का है, उसमें भी कब आते हैं? पुरुषोत्तम संगम कब होता है? 76 में आते हैं। अरे लेकिन यहाँ तो बोला है कि बाप जब आते हैं तो सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। क्या बेहद का बाप बेहद का काम करेंगे या रगड़ रगड़ रेगड़ियां पहनेंगे? हैं? बेहद का काम करेंगे। तो आते हैं का मतलब क्या हुआ? प्रवेश करते हैं वो आते हैं हुआ, या संसार में प्रत्यक्ष होते हैं उसे कहेंगे आते हैं? जब प्रत्यक्ष होते हैं संसार में कोई मुकर्रर रथ द्वारा, तब कहते हैं आते हैं। बच्चा जन्म लेता है तो कोई ये कहेगा मोहल्ले में, पड़ोस में, परिवार में, जनपद में, कोई ये कहेगा नहीं नहीं पैदा हुआ, कोई कहेगा नहीं पैदा हुआ, तो झगड़ा चलेगा? हैं? नहीं चलेगा। तो अभी आते हैं ये क्षेत्र में कहे, या जब एक सेकंड में जीवन मुक्ति, मुक्ति का वर्षा देते हैं तब आते हैं? अगर देंगे, आकर के तो देते हैं, शरीर में प्रवेश करते हैं तब भी आते हैं। हाँ, बच्चा जन्म लेना माने बच्चे का आना। तो जब बाप आते हैं तो एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। ये जीवन मुक्ति किससे मिलती है?
मीडिया कौन बनता है? बिना मीडिया के जीवन मुक्ति देते हैं या मीडिया चाहिए? मीडिया जीवन वाला चाहिए या जिसका जीवन ही नहीं होता वो चाहिए? शिव बाप उनका तो अपना जीवन होता ही नहीं, इसलिए किसमें प्रवेश करते हैं? जिसमें प्रवेश करते हैं उसके पूरे 84 जीवन होते हैं, तो आकर के उसके द्वारा जीवन मुक्ति देते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है बेहद के बाप से। तो जरूर जिनको सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है वो अभी जीवन बंध में है। बंधन पतितों को होता है या पावन आत्मा को होता है? जरूर कहेंगे कि पतित आत्माएं बंधन में हैं, उनको आकर के जीवन मुक्ति देते हैं। फिर पावन बनना है, पतितों को ही पावन बनना है, है तो ये सेकंड की बात है। और ज्ञान भी एक ही सेकंड का है, क्योंकि पढ़ाई तो तुम पढ़ते हो, वो सभी मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। क्या जो पढ़ाई पढ़ाने वाले हैं वो कौन है? मनुष्यों को मनुष्य पढ़ाते हैं, और यहाँ पढ़ाने वाला कौन है? भगवान है। सदाकाल बुद्धि में भगवान, निश्चय बुद्धि है कि कभी भगवान कभी शैतान दिखाई पड़ता है, है? अरे भगवान बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं, दुनिया में तो मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं, और भगवान के बच्चे कौन हैं? मनुष्य हैं। यह संपूर्ण मनुष्य से देवता बनने वाले हैं। चोटी के ब्राह्मण जो मनुष्य हैं उनको ब्राह्मण कहा जाता है। संपूर्ण ब्राह्मण माना संपूर्ण देवता। तो जो दो जो संपूर्ण ब्राह्मण बनते जाते हैं माना संपूर्ण पवित्र बनते जाते हैं उनको एक सेकंड में ज्ञान मिलता है। ज्ञान को पंथ कृपान को धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। ज्ञान का ऐसा कृपाण लगता है कि एक सेकंड में कल्याण हो जाता है। जैसे काशी करवट खाते हैं तो शरीर छोड़ने में कोई टाइम लगता है क्या? एक सेकंड में शरीर धड़ अलग हो जाता है। और पूर्व जन्मों के पाप कट जाते हैं, परंतु काशी करवट खाने से भी जीवन मुक्ति नहीं मिलती, फिर भी पुनर्जन्म में आते हैं और पतित कर्म करने लग पड़ते हैं, क्योंकि वहां डायरेक्ट बाप तो आते नहीं और यहां तो डायरेक्ट बाप आते हैं। तो पड़ती तो यहां आत्मा ही है ना, परंतु देह अभिमान के कारण अपन को आत्मा भूल जाते हैं। आत्मा भूले तो परमपिता परमात्मा भी भूल जाता है, अनिश्चय बुद्धि बन जाती है।
निश्चय बुद्धि विजयते, जीवन मुक्ति के ऊपर विजय प्राप्त हो जाती है, और अनिश्चय बुद्धि जीवन मुक्ति का विनाश हो जाता है। देह अभिमानी होते हैं तो फिर अंदर में अहंकार आता है, हम फलाना हूं, फलाना मिनिस्टर हूं, फलाना डॉक्टर हूं, फलाना इंजीनियर हूं, कितना देह माना जाता है। वास्तव में है तो आत्मा, आत्मा न मिनिस्टर न कलेक्टर, आत्मा तो आत्मा। जैसे 500 करोड़ आत्मा, परंतु वो तो कम जन्म लेने वाली आत्मा, अधूरा पार्ट बजाने वाली आत्मा, और हम तो संपूर्ण 84 के चक्र लगाने वाली आत्मा। आत्मा मिस्टर बनती है, आत्मा मिसेज बनती है पार्ट बजाने के लिए, परंतु ये बात ही भूल जाते हैं। क्या है? देह का भान आता है मैं मिसेज हूं, देह का भान आता है तो मैं मिस्टर हूं, मिसेज के ऊपर कंट्रोल मेरा है। नहीं तो आत्मा ही पार्ट बजाने से कोई क्या बनती है, कोई क्या बनती है। तो बाप समझाते हैं अभी ये पुरानी दुनिया बदल कर नई दुनिया बननी है। क्या अंतर होगा नई दुनिया और पुरानी दुनिया में खास है? पुरानी दुनिया में क्या समझते हैं घड़ी घड़ी, और नई दुनिया में क्या समझेंगे घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी नहीं सदैव। नई दुनिया में सदैव समझेंगे हम आत्मा हैं, अब पुरानी दुनिया में घड़ी घड़ी देह का भान आता है। अभी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट जरूर होनी है। नई दुनिया है सतो प्रधान, पुरानी दुनिया है तमो प्रधान। घर भी पहले नया होता है तो कहेंगे सतो प्रधान। सतयुग में ये दुनिया नया घर है, कलयुग में कहेंगे ये पुरानी दुनिया पुराना घर है, तमो प्रधान। अभी जर्जरीभूत तमो प्रधान घर बन गया है। ये बेहद का नाटक या बेहद की षष्ठी चक्र का नॉलेज है, इसको समझना है, क्योंकि ये पढ़ाई है। ज्ञान में समझ की बात होती है, भक्ति में समझ की बात नहीं होती है, अंधश्रद्धा चलती है। जहां अंधश्रद्धा चलती है उसको पढ़ाई नहीं कहा जाता है। क्यों? पढ़ाई में और अंधश्रद्धा की भक्ति में क्या अंतर होता है? पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट होती है, जीवन का लक्ष्य होता है, मैं ये बनूंगा, पढ़ाई पढ़ के यह करूंगा, जिंदगी का लक्ष्य रहता है। और भक्ति में एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं होता। जन्म जन्मांतर भक्ति करते रहो, जन्म जन्मांतर वेद शास्त्र आदि पढ़ते रहो, परंतु दुनिया तो बदलती ही नहीं,
अंधश्रद्धा से गड्ढे में जाएगी दुनिया, यह दुनिया बदलेगी गड्ढे में जाती है। यहां तो दुनिया को बदलना है। सतयुग त्रेता में तो भक्ति नहीं होती, भक्ति तो द्वापर से शुरू होती है। क्या द्वापर नाम क्यों डाला? क्योंकि द्वैतवादी युग शुरू होता है, दो दो मतें शुरू हो जाती है, दो दो राज्य शुरू हो जाते हैं, दो दो धर्म शुरू हो जाते हैं, दो दो कुल हो जाते हैं, फिर दो में से चार, चार में से आठ निकलते ही रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।